सत्य की वजह के लिए भी आए, सत्य बोलते हैं वो। पार्टी में थोड़ा सा मैं कामयाब कम हुआ हूँ, इसलिए उनका मन ऐसा रहा कि मैं इस पद पे अब काम करना नहीं चाहता। पब्लिक सेवा में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं डॉक्टर साहब। कभी डॉक्टर साहब ने पद को तो महत्व दिया ही नहीं उन्होंने उनकी राजनीतिक जीवन में, आज तक पद के पीछे ने वो भगे। उनका प्रथम लक्ष्य होता है जनता की सेवा करना ईमानदारी से। पद भी उनको अच्छा पद के हिसाब से मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब का ही दंका बजाए, सब जगह कांग्रेस का सफाया किया ओनली फॉर डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने। डॉक्टर साहब की इस बार नहीं मानी पब्लिक ने, इससे दुखी होकर मान लो नैतिकता के आधार पर डॉक्टर साहब ने इस्तीफा दिया है। और विरोधी हमारे बहुत सारे मजे लेते हैं डॉक्टर साहब से, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। अरे वो डॉक्टर साहब ने तो एक महीने पहले इस्तीफा दे दिया था भाई। एक राम के अनुयायी है, राम को मानते हैं, हिंदुत्व है, तो उन्होंने मतलब राम की बात को मानकर वचन दिया था, उस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। गरीब और गणेश की सुनते हैं, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी डॉक्टर साहब सुनते हैं। उनसे जो जूनियर हैं उनको सीनियर पद दिए गए, तो हमें ठेस पहुंची है कार्यकर्ता होने के नाते। डॉक्टर कोड़लाल एक बहुत बड़ी चीज है, एक सदियों में जाके ऐसा व्यक्तित्व कोई पैदा होता है। राजस्थान की राजनीति में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे देने के बाद उबाल आ गया है। हम पहुंचे हैं इस वक्त डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पैतृक गांव में, जहां कुछ लोग यहां के स्थानीय निवासी मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि वो जो डॉक्टर साहब ने इस्तीफा दिया है किस तरह देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप बताओ, डॉक्टर साहब ने इस्तीफा दिया है, हाँ जी, कैसे देख रहे हो उसको? उसको जो है इस्तीफा दिया है जो थोड़ी जल्दबाजी, हाँ जल्दबाजी के साथ, जल्दबाजी की, तो नहीं देना था उनको इस्तीफा, अब इससे नहीं देना चाहिए। मतलब क्यों, कारण क्या है मानते हो आप? कारण यह मानते हैं इसमें थोड़ा देर में, मतलब थोड़ी और सोच समझ कर देना चाहिए, सोच समझ के इस्तीफा देना। इनका कहना है कि सोच समझ के इस्तीफा देना चाहिए था। हमारे साथ कुछ और कुछ, अच्छा आप बताओ, आप भी यहीं के हैं, बताओ डॉक्टर साहब का इस्तीफा जो हुआ है इसको छोड़ दो आप। सत्य की वजह के लिए भी आए, सत्य बोलते हैं वो और सत्य की राह पर चलते हैं, इसलिए इस्तीफा दिया। तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब उन्होंने राजस्थान में विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में काफी मेहनत की है, उसके बाद इस्तीफा देना कितना ठीक लगा क्या? नहीं लगा साहब, हमको तो अच्छा नहीं लगा। हाँ, क्या चाहते हो, मंत्री पद रहना चाहिए रक्षा को? मंत्री पद रहना चाहिए सर, मंत्री पद रहना। हाँ, अच्छा अच्छा मंत्री पद। हाँ, अच्छा, इनका कहना है कि मंत्री पद रहना चाहिए रक्षा को। आप तो, आप कैसे देख रहे हो उसको? इस्तीफा दिया है डॉक्टर साहब ने और अपनी नैतिक जिम्मेदारी लिए 7 सीटों के लिए, कैसे देख रहे हो? सर, डॉक्टर साहब का जो अपने नरेंद्र मोदी जी से जो वादा किया था उसमें डॉक्टर साहब को सफलता कम महसूस की, उन्होंने मेरे को सफलता इसमें ज्यादा नहीं मिली, इस कारण से डॉक्टर साहब संतुष्ट नहीं हुए और उनकी नैतिक जिम्मेदारी समझ के उन्होंने, उनको संतुष्टि नहीं मिली। पार्टी में थोड़ा सा मैं कामयाब कम हुआ हूँ, इसलिए उनका मन ऐसा रहा कि मैं इस पद पर अब काम करना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वो मंत्री पद के कोई लालसी नहीं है और पब्लिक सेवा में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं डॉक्टर साहब। पब्लिक सेवा तो जन मतलब मंत्री पद रह के ज्यादा अच्छी की जा सकती थी ना। नहीं, मंत्री पद में थोड़ा सा उन्होंने ऐसा महसूस किया कि मैं जितना हो सकता हूँ उस चीज में ज्यादा सफल नहीं हुआ, तो इसलिए डॉक्टर साहब का सिद्धांत ऐसा है, वो बहुत स्वाभिमानी आदमी और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करते हैं और जो पार्टी के प्रति उनका लगाव है उसमें उनको ऐसा लगा तो ज्यादा उनको कामयाबी नहीं मिली, इसलिए डॉक्टर साहब का जो मैं जानता हूँ, ज्ञान सिंह गुजर हूँ मैं, मुझे ऐसा लगा। अच्छा, इनका कहना था कि डॉक्टर साहब को पार्टी में उन्होंने, लेकिन उसके हिसाब से उन्हें पद नहीं मिला, मिलना चाहिए था। आप बताएं कैसे देख रहे हो डॉक्टर साहब का इस्तीफा? नहीं, इस्तीफा देना ठीक नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई थी डॉक्टर साहब को, तो वो कभी डॉक्टर साहब ने पद को तो महत्व दिया ही नहीं उन्होंने उनकी राजनीतिक जीवन में, आज तक पद के पीछे ने वो भगे। उनका प्रथम लक्ष्य होता है जनता की सेवा करना ईमानदारी से और जनता को न्याय मिलना, दीन दुखी हीन, इसीलिए उन्हें जननायक के नाम से हम पुकारते हैं और बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। तो उन्होंने जो जिम्मेदारी समझी थी कि भाई 7 सीटों के लिए साहब को जिम्मेदारी दी बाबा साहब को, तो वो 7 सीटों पे जिता नहीं पाए और उन्होंने नैतिकता के आधार पर, नहीं तो क्या 7 सीटों की जिम्मेदारी अकित ठाकुर साहब की थी या भाई? पार्टी की भी थी, लेकिन उन्होंने तो अपने ऊपर लेते हुए और जनता की सेवा करने के लिए नैतिकता के आधार पर, जैसे पार्टी को सभी को मिलकर ये काम करना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर साहब ने खुद ने जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके और उन्होंने पत्र से त्याग पत्र दे दिया। और ऐसा भी पहले हुआ है डॉक्टर साहब, पहले अपने नैतिकता के आधार पर वो कभी मतलब गरीब के खिलाफ अन्याय होने को कभी वो बर्दाश्त नहीं करते, और जब यदि न्याय उनके पक्ष में नहीं होता है या अन्याय होता है गरीब के साथ में, तो वो पद के मोहताज तो कभी रहे ही नहीं। क्या चाहते हो, मतलब इस्तीफा मंजूर किया जाए? नहीं, इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाए, हम तो उसके खिलाफ हैं
इस्तीफा तो दिया है, लेकिन पद भी उनको अच्छा कद के हिसाब से मिलना चाहिए भाई। जो कद है आज की तारीख में राजस्थान विधानसभा में, आपने कल की वो देखी होगी जो मेहनत के क्या स्थिति थी, और उन्होंने जितनी मेहनत की है आज आप चुनाव करवा के देख लो, आपको परिणाम और ही मिलेंगे। ओनली फॉर पूर्वी राजस्थान में डाक साहब का ही डंका बजाए, सब जगह कांग्रेस का सफाया किया, ओनली फॉर डॉक्टर करोड़ीलाल जी ने। तो इन्होंने भी ये कहा कि कद के हिसाब से उनको पद भी नहीं दिया गया था, हालांकि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनको पद की लालसा बिल्कुल नहीं है, वो जनता की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे भतीजे मुझे अच्छा आप इस्तीफे कैसे देखते हैं आप? डाक साहब पहली बात तो देखो, डाक साहब ने पार्टी की बहुत सेवा करी, पार्टी के बहुत मतलब खिलाड़ी हैं और हमेशा पार्टी चाहे पार्टी ने उनको तवज्जो नहीं दी। पिछले चुनाव में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको जिम्मेदारी दी थी पिछले अगली आसपास की हमारी 15 सीटों की, तो डाक साहब ने वादा किया था माननीय प्रधानमंत्री जी से कि मैं ये सारी पूर्वी राजस्थानी सीटें निकाल के लाऊंगा, विशेषकर हमारे समाज जो है उसकी जिम्मेदारी ली थी। तो डाक साहब की इस बार नहीं मानी पब्लिक ने, इससे दुखी होकर मान लो नैतिकता के आधार पर डाक साहब ने इस्तीफा दिया है, और डाक साहब कभी अपनी बात से पीछे हटते नहीं है, अड़े रहते हैं, और अभी भी काफ़ी खबरें चल रही हैं, मीडिया में भी चल रही हैं, साहब राज्यपाल के लिए इस्तीफा दिया, नहीं डाक साहब कभी पद के मोहताज थे नहीं थे, न हैं न आगे रहेंगे, न कोई बड़ा पद चाहिए, केवल गरीबों के लिए लड़ते हैं वो, इस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। तो क्या आप मानते हैं डॉक्टर साहब अब सत्ता से अलग रखे यानी शासन से अलग रखे जनता के अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो गरीब के साथ अन्याय हो, बने हुए थे वो मंत्री पद से, बिल्कुल खुले शेर की तरह दहाड़ेंगे, कहीं भी गरीब के साथ अन्याय होगा जब पार्टी के खिलाफ जाना पड़े उस फोरम पे तो जाएंगे वो, बिल्कुल इसमें पीछे नहीं हटते डॉक्टर, गरीब को न्याय दिलाएंगे, गरीब को न्याय दिलाने के लिए। और विरोधी हमारे बहुत सारे मजे लेते हैं डॉक्टर साहब से, इस्तीफा दो, अरे वो डॉक्टर साहब ने तो एक महीने पहले इस्तीफा दे दिया था भाई, इस चीज के मजे लेते हैं हमारे विरोधी, लेते हैं मजे इस चीज का, पद का मोह तो था ही नहीं उनके, आज इन लोगों पद के कारण चिपके रहते हैं, किसी भी पार्टी में जाके देख लो डॉक्टर साहब को पद के पीछे कभी चिपके नहीं। इनका कहना है कि डॉक्टर साहब पद के पीछे कभी नहीं रहे। अच्छा आप बताओ, आप कैसे देख रहे हो डॉक्टर साहब का इस्तीफा मिला है, डॉक्टर साहब दिया है, मंजूर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखो बात यह है कि इस्तीफा मंजूर तो नहीं होना चाहिए वैसे तो, लेकिन उन्होंने मोदी जी से वादा किया, मोदी जी उनके दोस्त हैं और उनसे वादा किया था कि मैं 7 सीटों पर यहाँ से चुनाव जिता के भेजूंगा, लेकिन आप कैसे भी लगा लो आप कि पद नहीं मिला या कुछ भी लगा सकते हो, आप भी सब चीज को जानते हो, रात दिन इंटरव्यू करते हो, तो लोगों ने अब की बार नहीं मानी। जो डॉक्टर साहब का कद है, वैसे पद कुछ मायने नहीं रखता, डॉक्टर साहब को समझ नहीं पाए, हाँ ऐसे लगा लो, पर जो इसलिए नहीं समझ नहीं पाया कि जो उनको पद मिलना चाहिए जैसा पद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। डॉक्टर साहब तो कतई नहीं चाहते कि मतलब पद की तो लालसा उनको है नहीं, वो संघ के आदमी नहीं चाहिए पद यश गर्मा, वो कहते भी हैं इस बात को, तो पद की तो कोई बात ही नहीं है। और उन्होंने निस्वार्थ भाव से, कोई पद के भाव से ऐसा इस्तीफा नहीं दिया कि कोई दोबारा मंत्री बड़ा बन जाऊंगा ये बन जाऊं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, पर उन्होंने जो नैतिकता के आधार पर मोदी जी को वादा किया, देश के प्रधानमंत्री को वादा किया कि 7 सीटों को जिता कर भेजूंगा, 7 सीटें नहीं जीती, उन्होंने जो वचन दिया, जो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो वो मतलब एक राम के अनुयायी है, राम को मानते हैं, हिंदुत्व है, तो उन्होंने मतलब राम की बात को मानकर वचन दिया था, उस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। आप वापस लोकसभा की जो उपचुनाव और विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, डॉक्टर साहब को 7 सीटों की जिम्मेदारी वापस दी गई है, जो विधानसभा की बिल्कुल मेहनत करेंगे, पार्टी के साथ है वो बिल्कुल, तो मतदाता साथ लगेगा आपकी बार, वो मतदाता लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, मतदाता तो है ही, तो लोकसभा में क्यों नहीं लगे आपके साथ में? लोकसभा नहीं लगे, लोग समझ नहीं पाए, लेकिन अब पद दे दिया लोगों को, ये हो गया यार डॉक्टर साहब ने तो पद दे दिया, हम तो सोच रहे थे शायद नहीं देंगे, निष्पक्ष हो गया और क्या, अब तो लोगों को ये हो गया कि यार डॉक्टर साहब को पद नहीं दे, वो इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उन्होंने तो दे दिया जो वचन दे दिया, मतलब इस्तीफा दे डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब ने तो सही किया है, डॉक्टर साहब ने तो वचन दे दिया, भाई ऐसे मुखर थोड़ी होंगे। मैं आपके साथ पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब का इस्तीफा मंजूर होना चाहिए क्या? नहीं, मंजूर तो नहीं होना चाहिए, वैसे मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, मोदी जी को सोचना चाहिए कि डॉक्टर साहब तो अपनी बात पर अड़े गए हैं, उनको मतलब उनके कद के हिसाब से सोचना चाहिए, पार्टी को सोचना चाहिए, वैसे तो वो पार्टी के संगठन के कार्य करते हैं और करते रहेंगे, और दीनहीन गरीब की सेवा करते हैं, करते रहेंगे।
दीन इनकी गरीब की सेवा की बात आई है। अच्छा आप बताओ डॉक्टर साहब को कितने समय से जानते हो और किस तरह के नेता? मैं डॉक्टर साहब को जन्म से जानता हूँ, मैं पड़ोस के ही गांव का हूँ, रामलाल जाट मेरा नाम है। डॉक्टर साहब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले हैं, गरीब और गणेश की सुनते हैं, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी डॉक्टर साहब सुनते हैं। उनके पास में कोई जाति पक्ष का किसी प्रकार का कोई वो ही नहीं है, सिस्टम ही एलिगेशन ही नहीं है। मोदी जी ने उनको 7 सीटों की जिम्मेदारी दी थी, मतदाता रिजर्वेशन तोड़ देंगे ऐसा कुछ करके विपक्षी पार्टियों के भ्रम करके डॉक्टर साहब की बात नहीं मानी और मतदाता भ्रमित हो गया था, इसलिए 7 सीटें में से 2-3 सीटें 4 सीटें हार गए। डॉक्टर साहब अपने वचन के पक्के हैं और उन्होंने अपने वचन का पूरा किया है, इसीलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया है। पिछले 5 साल से विपक्ष में केवल डॉक्टर साहब ही थे, कहीं भी पूरे राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान ही नहीं पूरे राजस्थान में जहां भी किसी गरीब के साथ अन्याय होता डॉक्टर साहब वहां आगे मिलते और 24 घंटे गरीब की सेवा में रहते हैं। उनको पद का कोई लोभ लालच नहीं है, नई पद से उनका कोई संबंध रहा है, पूर्व में भी उन्होंने गरीबों की हक के लिए उन्होंने त्यागपत्र दिए। पार्टी के वो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर साहब का पद रहना चाहिए और कद के हिसाब से उनको पद मिलना चाहिए, पद मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हम क्षेत्र की जनता हैं, हम ये मांग करते हैं आदरणीय मोदी जी से, आला कमान से, उच्च पदस्थ जो बीजेपी का कार्यकारिणी है उनसे, डॉक्टर साहब को बिल्कुल मंत्री पद अच्छा मिलना चाहिए उनके कद के हिसाब से। उनसे जो जूनियर हैं उनको सीनियर पद दिए गए तो हमें ठेस पहुंची है कार्यकर्ता होने के नाते। डॉक्टर साहब तो उन्होंने अपना प्रण पूरा किया है, यदि 7 सीटों की डॉक्टर साहब को जिम्मेदारी दी है विधानसभा के चुनाव में तो 7 सीटें बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई वो नहीं है। डॉक्टर साहब का कद राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं ग्रामीण स्तर में बहुत ही ऊंचा है। हाँ अच्छा एक और भाई, अच्छा आप बताएं कैसे देखें डॉक्टर साहब का इस्तीफा हो गया है, सरकार ने भी मंजूर नहीं किया है, तो क्या मंजूर होना चाहिए? नहीं मंजूर नहीं होना चाहिए। क्यों? डॉक्टर साहब ने अंतर मन में खिन्नता हुई है उनको, और उनको जो अभी भाइयों ने बताया कि 7 सीटों की जो जिम्मेदारी दी थी अब आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आया, तो उनको एक खिन्नता हुई है अंतर मन में। क्या गलती मानता है अनुरूप परिणाम नहीं आने की? डॉक्टर साहब ने पूरी मेहनत की, डॉक्टर साहब ने पूरी मेहनत की और डॉक्टर साहब आरएसएस के बहुत पुराने स्वयंसेवक हैं, विचारधारा के पक्के हैं, पार्टी और विचारधारा से कहीं दूर नहीं जाते हुए। हाँ पर जो ये हुआ है वाकया और इसमें जो उन्होंने महसूस किया है कि लोगों के लिए मैंने काम भी बहुत किया है, सेवा की है, 24 घंटे में हाजिर रहता हूँ, और देखो शोषित पीड़ित दीनहीन जो भी, जात नहीं देखी, क्षेत्र नहीं देखा, और इस इलाके की तो पहचान है डॉक्टर करुणलाल, इसमें कोई गुंजाइश भी नहीं है, सारा इलाका गर्व महसूस करता है डॉक्टर करुणलाल पे। डॉक्टर करुणलाल एक बहुत बड़ी चीज है, एक सदियों में जाके ऐसा व्यक्तित्व कोई पैदा होता है तो वो जाति नहीं, इस इलाके की राजस्थान की पहचान है। तो मेरा तो मानना है इस्तीफा तो स्वीकार करना चाहिए, और उनको अनुरूप उनकी जो पद भी बढ़िया पद मिलती है। तो ये थे डॉक्टर किरणलाल मीणा के, गांव के जो लोग, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि डॉक्टर साहब को कद के हिसाब से उनको पद नहीं दिया गया। पहला ये, दूसरा लोकसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर साहब को 7 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके चलते डॉक्टर किरणलाल मीणा ने भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से बता दिया था कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई, इसी के चलते डॉक्टर साहब ने बीते दिनों इस्तीफा दिया है। अब स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब का इस्तीफा नामंजूर हो और उनको अपने कद के हिसाब से पार्टी अच्छे पद पर स्थापित करे। HN पांडे, पंजाब के टीवी 2।